नमस्कार। सर्दियों में हम अक्सर बहुत सारे फूलों की बात करते हैं, लेकिन एक फूल जो ये अभी मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, आज इसके बारे में बात करते हैं। ये है क्लांचू और इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात ये है कि एक बार जब अब ये फूल खिलना शुरू हो गए हैं, तो अब ये 3 से 4 महीने तक इसी हालत में टिके रहेंगे। नए नए फूल आते रहेंगे, लेकिन कभी भी ये पौधा खाली नहीं दिखाई देगा अगले 3-4 महीने तक। दूसरी इसकी खास बात है कि एक बार फूल खिलने के बाद आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं, फूल खिले रहेंगे। अक्सर फूल धूप में खिलते हैं, लेकिन ये एक फूल ऐसा है जो बाद में घर के अंदर छाया में भी खिल सकता है। तो आइए आज क्लांचू के बारे में सभी कुछ जानते हैं। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अपना बाग। जब आप नर्सरी में क्लांचू लेने जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि इसकी 2 वेराइटीज होती है। एक सिंगल वेराइटी, यानी कि सिंगल सिंगल फूल निकलता है 4 पत्ती वाला। दूसरी डबल वेराइटी, जैसा ये है, इसमें आपको दिख रहे हैं एक ही फूल में मल्टी पेटल्स हैं, बहुत सारे पेटल्स हैं। ये डबल वेराइटी अक्सर छोटी होती है, सिंगल वेराइटी थोड़ी सी ऊंची आती है। और साथ ही इसके कलर्स की बात करें तो इसमें आप देखिए लाल है, पिंक है, वाइट है, इसमें पीच कलर आता है, मजेंडा कलर आता है, येलो आता है, तो बहुत सारे कलर्स हैं। अगर सिर्फ क्लांचू आप अपने बगीचे में लगा देंगे अलग अलग कलर्स के, तो आपको और किसी फूल की जरूरत ही नहीं है अपने बगीचे में। सनलाइट की जैसे मैंने बात की थी आपसे कि जिनके घर में छाया है, धूप नहीं है, वो कैसे रखें, तो जिस भी एरिया में आपके धूप आती है, थोड़ी बहुत छत पे या कहीं भी, वहां इस पौधे को रखिए। एक बार जब इसमें फूल खिल गया, फिर आप चाहे इसको कहीं भी रख दीजिए, ये फूल देता रहेगा। कितनी अच्छी बात है ना। बस एक बार इसको धूप दे दीजिए जब तक इसकी कलियां खिल जाएं, उसके बाद आप कहीं भी रख लीजिए। वाटरिंग इसमें कम चाहिए। सकुलेंट वैरायटी, देखिए इसकी पत्ती थोड़ी मोटी होती है, सकुलेंट वैरायटी का पौधा है, इसीलिए पानी कम दीजिए। जितना ज्यादा आप पानी देते जाएंगे, उतना आप देखेंगे फूल कम है, पत्तियां ज्यादा रहेंगी, इसीलिए पानी बहुत बहुत कम, जब आप देखते हैं ऊपर की इतनी मिट्टी सूख गई, उसके बाद पानी दीजिए। हर जगह के हिसाब से वाटरिंग अलग अलग किस्म से की जाएगी, इसीलिए आपको अपनी मिट्टी का ध्यान देना है, दिलों का ध्यान नहीं देना है कि कितने दिन के बाद पानी देना है। पॉट साइज की अगर बात करें, तो आप देखिए क्लांचू ये छोटा सा पौधा होता है, इसकी जड़ भी बहुत छोटी होती है, तो इसको बहुत बड़े बड़े पॉट्स की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पॉट्स प्लास्टिक के ले लीजिए, सेरेमिक ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा साइज, बड़े साइज का गमला इसके लिए जरूरी नहीं है। जितना ये पूरा पौधा भरा हुआ हो, बस उतना सा ही गमला लीजिए, तो इसके लिए काफी है। इसको मिट्टी कैसी चाहिए, बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसकी मिट्टी में कम से कम 40% सैंड होनी चाहिए, ताकि पानी दिया और पानी निकल जाए। बाकी आप सॉइल और कंपोस्ट का मिक्सचर बना करके मिट्टी बनाइए, पानी रुकना नहीं चाहिए, वेल ड्रेनिंग सॉइल इसको चाहिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके प्रोपोगेशन की, इसको बढ़ाएंगे कैसे। एक बार अगर आपने एक एक कलर का पौधा इस साल ले लिया है, तो अगले साल आप उसी की स्टेम कटिंग से इसके नए पौधे बना सकते हैं। जब ये फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी, तो ऊपर की टिप्स लेकर के आप उनको किसी भी मीडियम में उगाएंगे, लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल एंड के करीब आप इसकी कटिंग लेंगे और इससे नए नए पौधे बनाएंगे, तो एक पौधे से आपके 20-20 पौधे बन सकते हैं। तो बस जल्दी से लाइए इस पौधे को और पूरे अगले 4 महीने अपने बगीचे को रंग बिरंगा कर दीजिए। और जब रंग बिरंगा तो होगा ही, इसी खुशी में आज जाते जाते पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये वक्त है क्लांचू खरीदने का। अगर जितना देर होंगे, उतना आपका जो फ्लावरिंग पीरियड है वो रिड्यूस होता जाएगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी इसको खरीद लीजिएगा। और देखिए, अमलान बाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत बात है ना, जल्दी से अमलान बाग को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और भी किसी पौधे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो लर्न विद अमलान का फॉर्म मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, आप 1-on-1 सेशन ले सकते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, मिलते रहिए, नमस्कार।